रविंद्र जडेजा चेन्नई सुपर किंग के शिविर में शामिल हो गए हैं, जो वर्तमान में मुंबई में स्थित है। अपने अंगूठे की चोट से रिकवर होकर जडेजा वापस लौट आए हैं। भारत का अरफन मौला खिलाड़ी लंबे समय से क्रिकेट की दुनिया से दूर रहा है। उसे अपने बाएं अंगूठे में गंभीर फ्रैक्चर का सामना करना पड़ा था। वर्तमान में वो दक्षिण मुंबई के होटल में 7 दिवसीय अनिवार्य क्वारंटाइन में है। दरअसल जनवरी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी टेस्ट के बाद से जडेजा एक्शन से बाहर हो गए थे। दरअसल फ्रैक्चर के लिए सर्जरी की जरूरत थी और उन्हें इंग्लैंड की पूरी सीरीज से बाहर कर दिया गया था। आईपीएल के लिए उनकी उपलब्धता पर भी संदेह था, लेकिन अब चेन्नई सुपर किंग के फैंस को खुश होने का मौका मिल गया है। दरअसल जडेजा ने हाल ही में बेंगलोर में राष्ट्रीय अकेडमी में अभ्यास भी शुरू किया था, जहां से उन्होंने मुंबई की यात्रा की। फ्रेंचाइजी के सीईओ काशी विश्वनाथन ने कहा कि वो अच्छी स्थिति में है और हमें उम्मीद है कि वो अपने पहले ही गेम में उपलब्ध होंगे। ऐसे में पिछले सीजन में नहीं खेलने वाले रैना को भी अब उपकप्तान नहीं बनाया गया है। दरअसल चेन्नई की टीम ने अभी तक उपकप्तान की घोषणा नहीं करी है, पर कयास ये लगाए जा रहे हैं कि चेन्नई का उपकप्तान अब जडेजा को बनाया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि विश्वनाथन ने आगे ये भी कहा कि आने वाले मैचों में वो अपने उपकप्तान की घोषणा कर देंगे। दरअसल पिछले सीजन यूएई जाने के बाद कुछ कारणों से भारत लौटने वाले सुरेश रैना इस समय खुद क्वारंटाइन में हैं। सुरेश रैना के आने से निश्चित रूप से चेन्नई की टीम मजबूत हुई है। अब देखना होगा कि इस बार उनकी टीम का खेल कैसा रहेगा। दरअसल चेन्नई की टीम पिछले सीजन आईपीएल के प्लेऑफ में भी नहीं पहुंच पाई थी। ऐसे में अब चेन्नई की टीम के सारे खिलाड़ी कैंप से जुड़ चुके हैं, और अगर हम सीएसके की पहले मैच की प्लेइंग 11 की बात की जाए तो इसमें फाफ डुप्लेसी, ऋतुराज गायकवाड़, सुरेश रैना, अंबती रायडू, मोइन अली, एमएस धोनी, रविंद्र जडेजा, सैम करन, शार्दुल ठाकुर, दीपक चहर और इमरान ताहिर को मौका मिलने वाला है। खैर, आपके हिसाब से सीएसके की पहले मैच में क्या प्लेइंग 11 होनी चाहिए, हमारे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। एलडी न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।